भाई, स्वागत है आपका सैरिंग टैक में। तो कल आज हम बात करने वाले हैं FAO के बारे में। इसका मतलब क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ। मेरा नाम रुपेश है और गाइस, आपको इस प्लेटफॉर्म पे हर आपको इस पर आपको इस प्लेटफॉर्म पे हर तरह की नॉलेज शेयर की जाएगी। सो गाइस, चलिए चलते हैं FAO के बारे में जानने के लिए। सो गाइस, FAO ये एक यूएन का ही पार्ट है। ठीक है, ये एक स्पेशलिस्ट एजेंसी है, एक यूएन का ही पार्ट है। ठीक है, ये है क्या, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये लीड करती है इंटरनेशनल लेवल पे, ये लीड करती है। ठीक है, जिसका मोटिव क्या है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी। मतलब जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, उसको सिक्योर उसको उसको सिक्योरिटी मिलाना। ठीक है, और जो इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटिव है, वो है क्या, लेट देयर बी ब्रेड, मतलब हर जगह रोटी। ठीक है, और इट वॉज फाउंडेड इन अक्टूबर 1945, जो इसकी शुरुआत की गई थी, जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ऑफकोर्स यूएन, जब यूएन नेशन इस्टेब्लिश हुआ था, तभी इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये है कि हेल्प करेंगे, हेल्प हंगर्स, फूड सिक्योरिटी एंड मल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण से शिकार हो रहे हैं, जो हंगर्स पीपल हैं, जो कुपोषण से शिकार हो रहे हैं, उनको उनमें मतलब उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, या फिर उनको इस मतलब इस कंडीशन तक ना पहुंचने देना कि उनमें मतलब वो भूखे रहें। ठीक है, और ये क्या करती है, मेक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट, जैसे जो जंगल होते हैं, वो प्रॉपर से इस्टेब्लिश है कि नहीं। ठीक है, कहीं कटिंग होती नहीं रही, कहीं जैसे वनों की कटिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, जो फिशर है उसको इम्प्रूव करना, उसको प्रोडक्टिव मिलाना, जस्ट मतलब जो फॉरेस्ट और फिशर है उनको प्रोडक्टिव मिलाना, ताकि वो और ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। ठीक है, और इसका एक मोटिव ये भी है, ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, मतलब जो गरीबी रेखा है उसको कम करना। ठीक है, इस्टेब्लिश इंक्लूसिव एफिशिएंसी एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम, जो हमारा फूड सिस्टम है उसको इम्प्रूव लाना, मतलब उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, फूड को कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और जो और क्या करना है, और जो लिविंग हुड है, मतलब जो इंसान जो अभी रह रहे हैं, ठीक है, उनको उनकी जो लिविंग मतलब उनकी जो जीवन शैली है, उनके अंदर उसमें किसी भी तरह का जो उसका जैसे फूड से रिलेटेड कोई भी इशू है वो ना आ पाए, उनके जो लाइफ हुड है उनको सस्टेन मतलब सस्टेनेबल बनाना। ठीक, और इसकी जो करंट में जो मेंबर है, इसके 94 मेंबर हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो इटली में। और इस चलो अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। जो इसकी हिस्ट्री है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक है, ये आई थी 19वीं सेंचुरी में, और 12th मतलब 19वीं सदी के शुरू एंड में, और 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ था। ठीक है, और ये किसके द्वारा, इसमें जो मेन पीपल मतलब जो मेन पीपल था इसको मतलब एक्टिव में लाने वाला, वो उसका नाम क्या है, वो अमेरिका का ही पीपल था, जिसका नाम है क्या, डेविड लेविन। ठीक है, और ये कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। और ये रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग पब्लिश करता है, तो देखिए, जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, फिशर है, और नेचुरल रिसोर्स है, इनके रिगार्डिंग ये क्या करता है, अपनी जो रिपोर्ट था वो पब्लिश करता है। देखिए, ऑलमोस्ट ये 11 रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें से पहला है क्या, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमेटी मार्केट्स। ठीक है, द स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड एनिमल जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। सो गाइस, ये सारे जो हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मतलब इन्हीं के बेसिस पे क्या, इन्हीं के बेसिस पे इनको मैनेज किया जाता है। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे ये आने वाले जो जनरेशन है उनको इसी के बेसिस पे इनपुट किया जाता है। ठीक है, तो अब सीधे चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, और वहाँ से पता करते हैं कि ये कितना हद तक जरूरी है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स हैं जो FAO के द्वारा दिए गए हैं, तो उन फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। तो ये है FAO की मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट है, और तो इसके अकॉर्डिंग क्या 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 कहा गया है, FAO के अकॉर्डिंग इसके अंदर कहा गया कि 2050 तक जो ग्लोबल पॉपुलेशन जो प्रोजेक्ट है, जितना भी अभी फूड
प्रोडक्शन हो रहा है, तो कल लग 7 मिलियन, 7 मिलियन से 9.5 मिलियन तक क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, जो डिमांडिंग है, जो फूड प्रोडक्शन है और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या होगा, 60% बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके हिसाब से, मतलब इसके डेटा के हिसाब से क्या है कि 842 मिलियन जो लोग हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी हंगरी से सफ़र कर रहे हैं, मतलब उनको अभी भी इतना, मतलब उनको अभी भी इतना, जितना एक इंसान को जितना प्रोटीन मिलना चाहिए, जितना प्रोटीन या न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उनको अभी भी क्या वो नहीं मिल पा रहा, ठीक है, इस लाइफ में। और जिसमें से जो डेवलप कंट्री है वो ऑलमोस्ट क्या है, जिसमें से डेवलप कंट्री है जो हर साल, मतलब जो डेवलप कंट्री है जिसमें से जो चिल्ड्रन, जो न्यू बॉर्न होते हैं, मतलब जो नए नए बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें से लगभग एवरी ईयर 5 बच्चे क्या होते हैं, मर जाते हैं, सिर्फ किसके कारण, कुपोषण के कारण। क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी जो सही सही वैल्यू में जो हाइट और वेट होना चाहिए वो एक्चुअल में होता नहीं है, मतलब हो नहीं पाता, क्योंकि उनको कुपोषण के कारण। हर साल 5 बच्चे जो होते हैं वो इसी कुपोषण के हिसाब, कुपोषण के कारण ही मर जाते हैं, ठीक है। और इसी का एक कारण है कि जो लार्ज नंबर पे जो डिजीज़, जो बीमारी होती है वो कुपोषण के कारण होती है, ठीक है। और जिसमें से 20 मिलियन जो पर्सनल जो जो बच्चे हैं वो अधिकतर तुम्हें मिलेंगे अफ्रीका और साउथ एशिया में, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे, ठीक है। तो बस यही था, तो अब आगे देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।